हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी मैं यहाँ पे सुहागन को श्रृंगार दे रही हूँ और उनके माथे पे टीका लगा के और मैं उनके पैर छू रही हूँ। तो गाँव में क्या सब लोग मना कर रही थी कि पैर मत छू, ऐसे ही दे दो। पर मेरे लिए मैं यही कहूँगी कि हर सुहागन ना एक देवी का स्वरूप होती है और ये सौभाग्य हर एक लड़की को मिलना चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब करके, मुझे दिल से सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है। और कल के वीडियो पर ना एक तो कमेंट आए थे कि आप एक विधवा हो और आपको ये सुहागनों को ये सामान नहीं देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, खुद मेरी सासू माँ ने भी मुझे बोला था कि सुहागनों को ही मंस देना और इन सबको कोई आपत्ति नहीं है, इसी वजह से मैं ये कर रही हूँ। और ये पता है बहुत अच्छा काम होता है। अब वो तो सोच है कि चार लोगों की सोच ख़राब है और बाकी जितने भी लोग हैं उनकी सही है और नेगेटिव पॉजिटिव का वो होता है। बट जिसने भी मुझसे बोला है बोला बहुत अच्छा काम कर रही हो, ये अच्छा है। और यार जो चीज़ नसीब में नहीं होती ना उसको मांगना भी हमारा हक होता है। ऐसा नहीं है कि हम अगले जन्म के लिए अपना अच्छा ना करें कि भगवान हमको इस जन्म में तो आपने बेतुबा बनाया, जो भी चीज़ है। बट भगवान जो भी नेक्स्ट जन्म हमें मिले, या तो इंसान का ना बनाए, अगर बनाए और लड़की का जन्म दे तो भगवान बस ये सुहागन सबको बनाए और लंबी आयु दे सबको। और इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पता है टाइम बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। मेरे जैसे लोग हैं ना वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हाँ लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि डिमोटिवेट ना करें, चार लोग भी ना करें, मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ लोग की जो सोच नेगेटिव है वो ना करें और लोगों से पूछें। ऐसा होता है और करना अच्छी बात है, ये जीने का हक नहीं छीनो किसी से कि वो कुछ भी ना कर पाए, क्यों ना कर पाए। और जिसको दिक्कत है उनको मैं देखो जैसे अपनी ससुराल में करती, तो यहाँ मुझे लगता है कि हाँ कुछ लोगों की ऐसी सोच रहती, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। देखो आप लोग देख रहे हैं सब कितना हंस हंस के, मेरी भाभी, सब लोगों ने इतनी खुशी खुशी से लिया है और बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो लोग, क्योंकि सबको है ना मेरी खुशी में बहुत खुशी नज़र आती है, वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं और मैं बहुत हैप्पी हूँ। बस अगर मैं इस चीज़ में गलत हूँ कि हाँ आज मैं विधवा हूँ तो मुझे सुहागनों को सामान नहीं देना चाहिए, तो आप जो भी मेरी सब लोग वीडियो देते हैं तो सब लोग इस चीज़ का रिप्लाई करना, क्या ये सही है क्या ये गलत है। बट मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, क्योंकि जो मेरे नसीब में है या फिर भगवान ने मेरे साथ जो किया है उसमें मेरी क्या गलती है। और ये मेरी मौसी है तो ये मुझे आशीर्वाद दे रही थी कि तेरी उम्र बहुत लंबी हो, बहुत हो। तो बस मैंने मौसी से एक चीज़ कही थी कि मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, बस जब भी मुझे जीवन मिले एक बस सुहागन औरत की तरह मिले तो आ जाता है रोना। ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत रोना आता है कि मुझे नहीं चाहिए लंबी उम्र। फिर मैं उनको यही समझा रही थी कि नहीं मैं रो नहीं रही, बस कभी कभी थोड़ा सा मुझे रोना आ जाता है, वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और फिर मैं हंसने की कोशिश करती हूँ रो के भी कि नहीं सब सही हो जाएगा, पर होता है ना कभी कभी अपनों को देख के मन फूट जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हंसती रहूँ, पर जहाँ अपने आ जाते हैं ना, माँ बाप पूरा घर सब लोग रहते हैं, मौसी हैं ये भाभी हैं, तो और फिर वो बोलती हैं और मैं शब्द नहीं आ पा रहे, बस आ जाता है बहुत ज़्यादा रोना आता है, पर कोई नहीं। भगवान तो भगवान ही है, भगवान तो भगवान ही है।
नानी के लिए खाना बना रही है। किसके लिए बना रही है? नानी के लिए, नई नानी के लिए। नानी में लोग वैसे बढ़िया 24 घंटा ज्यादा ही रहते हैं। भैया तो कह रहे नानी में चार और पांचो बच्चे सब नानी में ज्यादा हुए कचू। बच्चा बच्चा तो सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं नानी नाना से। ये कैसे भारी रोए हो? लाला चाय बन गई। आजो आजो आजा 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 क्या बोल रहे हो? तो कह रही है नहीं जेम का जमीन के पहल जाओ, सब कोई आ रहा है ऊपर उसमें अपने आप आ रहा है। नहीं तोड़ूंगी, किस का है? चलो मैं निमारा उसमें तोड़ दूंगी। पिन्नू का तोड़ देना, मेरा मत तोड़ना। रोती रहेगी, लड़ाई है इन दोनों की, तब बोल रही है। तो मेरी फैमिली एक चीज से बहुत ज़्यादा अच्छी है कि सब लोग बहुत ज़्यादा मिल के रहते हैं, और जब मैं जाती हूँ ना सब लोग साथ में सोते हैं। जितने भी रिलेटिव आए हैं, कुछ मतलब लड़के वगैरह तो दूसरे रूम में सो रहे हैं, बाकी जितनी मेरी भाभी मौसी बुआ उनकी बेटी सब लोग एक ही रूम में सो रहे हैं कि सपना के साथ ही रहेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे रहना, क्योंकि इसी माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ कि सब लोग साथ में सोना, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ये नहीं कि नहीं हमें अलग अलग सोना है। मतलब 1 बजने वाला है, अभी तो हमारी चाय बन रही है सबकी। चाची अच्छी वाली सो गई, चाची को उठा के ले आए, और यहाँ अभी चाय नाश्ता चल रहा है, समोसा समोसा लाइए मुँह ना कहते। मिलाड़ो सो गई दोनों, समोसा खा भाई। समोसा खा लो समोसा। और बाय बाय गाइस, अभी मौसी के जब मौसी मम्मी सबकी शादी हुई थी वो तब की कहानियाँ सुनाने लग रही हैं। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई। हम सोए थे रात के 3 बजे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।